हेलो दोस्तों, आपका ई लर्निंग टिप्स के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि MI रेडमी मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कैसे लाए। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में अपन को यहाँ पर ऊपर वाले सर्च वाले ऑप्शन पर अपन को फ़ोन सर्च करना है। फ़ोन आपको किसी कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़ोन सर्च करके अपन को देखना है कि अपने मोबाइल में कौन सा ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये मैं देख लेता हूँ मेरे मोबाइल में कौन सा ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे आपको बता दूँ, ये इंस्टॉल होगा MI वाला मोबाइल में, फ़ोन बाई गूगल वाला ऐप इंस्टॉल होगा, ठीक है। ये आपको अपडेट आएगा, इसको आपको क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो MI वाले मोबाइल में यहाँ पर लिखा हुआ था बीटा में शामिल होने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो उस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। ये लिखा हुआ रहा है देखो सबसे नीचे, ज्वाइन द बीटा, यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे ना तो इसमें आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आप पे MI के मोबाइल में शो हो जाएगा। ये हाथों हाथ ज्वाइन बेटा, हाथों हाथ ज्वाइन नहीं करता। आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो आपको 24 घंटे बाद में वो ज्वाइन होगा, और उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग और ब्लैक कॉल ब्लॉक किए हुए नंबर भी वहाँ साइड में ऑप्शन नहीं आता, तो वो भी ऑप्शन आ जाएगा और कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। ये आप कर लेना, ये 24 घंटे बाद में आपके वहाँ पर शो होगा, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।